राजधानी भोपाल में एक दिन में 11 कोरोना मरीजों की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना से उन लोगों को ज्यादा खतरा है जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। कोरोना संक्रमण के इलाज से ज्यादा जागरूकता की आवश्यकता है। इसके साथ ही राम मंदिर मामले पर उन्होंने कहा कि अब तक राम मंदिर निर्माण में किसने अड़ंगा लगाया था, ये देश की जनता बखूबी जानती है। बीजेपी तो हमेशा से ही राम मंदिर निर्माण के पक्ष में रही है और अब मंदिर निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। कोमॉर्बिडिटी हम जिसको कहें कि पुरानी जो बीमारियों से ग्रस्त हैं लोग रहे हैं और उसमें कोरोना भी उनको हो गया है या आइडेंटिफाइड हो गया है, तो उस वजह से मौत हुई। सरकार पूरी व्यवस्थाएं कर रही है। इसका चेन तोड़ने के लिए आम नागरिकों को भी जागरूक होना पड़ेगा, 2 गज दूरी बनाए रखना पड़ेगी, पूरे घर से जैसे ही बाहर निकले मास्क अपने चेहरे पे बिल्कुल लगा के रखना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस पालन करने चाहिए। और जागरूकता लाने के लिए भी हम लोगों ने, सरकार ने पूरे निर्देश भी दिए हैं। आदरणीय नेता अडवाणी जी ने पूरे देश में रथ यात्रा निकाली थी, पूरे देश में शिलाओं का पूजन भी हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो शुरुआत से ही ये मांग के अलावा इसको करने का पूरा प्रयास भी किया गया था, और किसने अंग डाले, किसने पक्ष किया नहीं पक्ष किया, ये देश की जनता जानती है।